हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है बेसिकली एक सुधीर पावर प्लांट की तरफ से। तो बेसिकली ये जो है, ये पावर प्लांट है, यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हायरिंग निकल रखी है और यहाँ पर आप लोग की सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर ऑल इंडिया आप लोग एलिजिबल रहने वाले हैं, कहीं से भी आप लोग इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो है आप लोग फ्रेशर हैं, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, यहाँ पर बीई बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। अब मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ये है कि देखिए, यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए ऑफ कैंपस भी इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि जिस लोकेशन को आप लोगों के लिए जाना है यहाँ पर आप लोग वहाँ पर इंटरव्यू देने भी जा सकते हैं। अगर वहाँ जाने के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है, मतलब वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, तो आप लोग फोन पर भी इंटरव्यू दे सकते हैं। सबसे बेटर चीज़ मेरे लिए ये लगी, देखिए, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग को यहाँ पर ना पैसा खर्च होगा ना कुछ भी। आप लोग को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इसे जो है आप लोग को अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी। और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आप लोग का जो है यहाँ पर बस आप लोग को फोन कॉल पे आप लोग को इंटरव्यू देना है। तो गाइस, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसका जो है PDF डाउनलोड कर लेना, और मैं आप लोग को इसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, साथ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हमारा जो है PDF डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए, ये जो PDF है, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है ये सारी चीज़ें मैं। अब देखिए, ये सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये सुधीर पावर प्लांट लिमिटेड की तरफ से आ रहा है और इसका एड्रेस दे रखा है, साथ में इसकी जो है मेन वेबसाइट दे रखी है। जैसे ही आप लोग इसका PDF ओपन करेंगे डिस्क्रिप्शन से, तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी मेन साइट पर पहुंच जाएंगे और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो आप लोग डिप्लोमा वाले तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, देख सकते हैं, ऑफ कैंपस इंटरव्यू रहने वाला है। आप लोग को यहाँ पर जाना होगा, कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पर सारी चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पर इंडियन होना ज़रूरी है, आप लोग अगर इंडियन हैं अप्लाई कर पाएंगे। BA, BSc, BCom, डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएट, ठीक है। और टेक्नोलॉजी ऑफ अंडर गोइंग, यहाँ पर मतलब अगर आप अंडर गोइंग हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना चाहते तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट डेट जो है इसकी 7 मार्च है आप लोग की। यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं। अब मैं वन बाय वन इसकी यहाँ पर बता देती हूँ। और इसकी देखिए लोकेशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जैसे आप लोग ये हरियाणा, यहाँ पर गुड़गांव, कई लोकेशन यहाँ पर रहने वाले, जिस भी लोकेशन के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट जो वैकेंसी है हमारी वो है कस्टमर सपोर्ट आफ्टर सेल्स की। तो इसमें ये सेल्स में आप लोग अगर जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जैसे ग्रेजुएशन किया है वो लोग सेल्स में जाना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 3 है, और मेल एंड फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन गुड़गांव रहेगी, सेक्टर 34 में। क्वालिफिकेशन, अब देखिए डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है, मैकेनिकल से किया है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में देखिए, यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पर जो है गुड कम्युनिकेशन, मतलब आपकी जो है स्पीकिंग, जैसे मैटर नहीं करता यहाँ इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है, आप लोग अगर अच्छा स्पीक कर पाते हैं थोड़ा, मतलब आपका आपके अंदर इतना ज़्यादा हेजिटेट नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मे बी आप लोग को अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो आप लोग कर पाएंगे, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड जो ओपनिंग है वो यहाँ पर देख सकते हैं डेस्क एग्जीक्यूटिव की है, और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है, और जेंडर यहाँ पर फीमेल ओनली, और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन BA, BSc, BCom, ये क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आप लोग की गुड़गांव सेक्टर 34 रहेगी, और जो है आप लोग की कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, हिंदी में भी हो सकती है, ठीक है। अभी जो ग्रेजुएट है GET वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दी गई है ओनली यहाँ पर मेल कैंडिडेट। अब देखिए, यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई करेंगे। लोकेशन आप लोगों की जो है सेक्टर यहाँ पर गुड़गांव रहेगी, सेक्टर 34 में। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, अब GET है तो ग्रेजुएशन ही होगी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, ठीक है। और आप लोग की जो है यहाँ पर थोड़ी सी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अब HR एग्जीक्यूटिव के लिए, तो HR एग्जीक्यूटिव के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1 है, और जेंडर देखिए फीमेल और मेल बोथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कहा गया है प्रेफर्ड विल बी गिवन टू फीमेल, ठीक है। क्वालिफिकेशन BA, BCom, BSc वाले अप्लाई करेंगे। लोकेशन गुड़गांव है, सेक्टर 34, और कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए।
नेक्स्ट है यहाँ पर DET, मतलब यहाँ पर जो है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है गाइस, 20 वैकेंसी दे रखी है और जेंडर यहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ हैं। क्वालिफिकेशन आप लोग का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में है। लोकेशन की बात करें तो देखिए लोकेशन कई है, जैसे अहमदाबाद हो गया, यहाँ पर राजकोट हो गया, गांधीधाम हो गया और संधाम हो गया, तो ये काफ़ी सारी यहाँ पर लोकेशन है। अहमदाबाद वगैरह के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी है कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो वैकेंसी 1 है और यहाँ पर जेंडर देखिए मेल फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन BCOM है और लोकेशन आप लोग की गुड़गांव सेक्टर 34 है। तो अब ये सारी यहाँ पर आप लोग की 1 बाय 1 दे रखी है। आप लोग को इसका जो है नोटिफिकेशन का जो आप लोग को लिंक है डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि मैं अदर भी वैकेंसी डालती हूँ तो आप लोग को मिल सके। और देखिए यहाँ पर आप लोग की मैं बैच की बात करूँ कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, तो यहाँ पर दे रखा है देखिए स्टूडेंट जो हमारे 2019 में पास आउट हुए हैं, 2019 और 20 और 21 22, तो देखिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 22 वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर जाना होगा। अब मैं आप लोग को ये भी बता देती हूँ, देखिए 4 मार्च को यहाँ पर गुड़गांव में, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा इंटरव्यू रहेगा आप लोगों का। अब यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है आप लोग को पूरा एड्रेस दे रखा है, प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 34 और गुड़गांव है हरियाणा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग की दी गई हैं, वेबसाइट दी गई है। अब देखिए अहमदाबाद में कौन सी डेट, गुड़गांव में आप लोग का किस डेट के लिए होने वाला है, गुड़गांव में 4 मार्च के लिए, 4 मार्च को इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन अहमदाबाद में किस डेट को, अहमदाबाद में होगा आप लोग का 7 मार्च को। तो आप लोग जहाँ भी जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिस भी लोकेशन के लिए वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। दूसरा आप लोग के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग देखिए गुड़गांव लोकेशन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं तो आप लोग किसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट दिया गया है यहाँ पर उत्कर्ष और मंजू, ठीक है, ये 2 यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनको यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप यहाँ पर दूसरी लोकेशन के लिए जैसे गुजरात लोकेशन के लिए कर रहे हैं तो उनमें यहाँ पर देखिए दूसरे HR हैं यहाँ पर, ये सुधीर सेल्स एंड सर्विस लिमिटेड के लिए, और पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। कॉन्टैक्ट यहाँ पर करेंगे काजल जी हैं यहाँ पर, इनको आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी, जैसे यहाँ पर दिया गया है दोज हु हैव एनेबल टू, यहाँ पर जैसे जो भी स्टूडेंट है वो इंटरव्यू मतलब अटेंड नहीं कर पाएगा ऑफलाइन में, मतलब उस लोकेशन पर नहीं जा पाएगा जहाँ इनका इंटरव्यू चल रहा है, तो वो क्या कर सकता है फ़ोन के माध्यम से भी यहाँ पर इंटरव्यू दे सकता है, तो फ़ोन के माध्यम से यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।